जय हिंद साथियों, मैं निर्देश कुमार आपका मनीष अकेडमी में स्वागत करता हूं। जुड़ जाएंगे सभी लोग। आज सभी की फर्स्ट यूनिट डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की, ठीक है, मैथ में जो तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा यानी फर्स्ट यूनिट में जो है चैप्टर आपका है उसकी हम बात करेंगे आज। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर कर देंगे और आज इसमें देखेंगे आपको बेहतरीन तरीके से तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा, ठीक है। जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें ये निर्धारित नहीं था कि तीन अंकों की या दो अंकों की संख्याओं का लासा निकालना है या मासा निकालना है, लेकिन इसमें कह दिया गया है कि तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा निकालना है, ठीक है। तो इसमें तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा की बात करनी रहेगी। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को शेयर भी कर देंगे और लाइक भी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लासा एवं मासा, ठीक है। लासा का मतलब हो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कम से कम वाला जो गुणज होता है उसकी बात करेंगे, ठीक। लासा में लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, सभी को पता होगा, और मासा में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, एससीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एससीएफ होता है। तो लासा में क्या होता है, लासा की बात करें सभी को पता होगा, लिख भी दे रहे हैं। लासा में क्या होता है, लासा में है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। इसका सबसे जो पहला पॉइंट है वह छोटी से छोटी संख्या से शुरू होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें भी ये बात कहे छोटी से छोटी संख्या संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक है, ये होता है इसमें पूर्णतः विभाज्य हो, ठीक। इसमें छोटी से छोटी संख्या के बारे में बात करता है, ठीक है। जैसे आपको हम संख्या कोई दे दें, 12 है संख्या, ठीक है, क्या संख्या 12 है, और हम बात करें जैसे 3.4 है यहाँ पर, ठीक है, और 3.4 की हम लास्ट सिंपल सी बात कर रहे हैं, पहले सिंपल से देखें 3.4 है और हम कहें कि 3.4 का लासा क्या होगा। जैसे 3.4 दो ही संख्या ले रहे हैं प्रीवियस ईयर की तरह से, ठीक है, 3.4 है तो इनका एलसीएम यदि हम पूछें तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। तो देखेंगे 3 से यदि काटेंगे 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी काटेंगे 4 से भी ये 12 संख्या कट जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या, आपको हमने 3.4 संख्या दी थी, ठीक है, 3.4 दी संख्याएं दी थी, द्वारा पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखा कि 12 जो संख्या आपको हमने दी, संख्या छोटी से छोटी संख्या जो है 12 है, वह दी गई संख्या 3.4 से पूर्णतः कट रही है, तो कह सकते हैं 3.4 का एलसीएम यहाँ पर 12 होगा, ठीक है, क्या होगा, एलसीएम 12 होगा। तो एलसीएम का आप मतलब तो समझ गए होंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाज्य होता है तो वो एलसीएम आपका कहलाता है, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। इसमें लेकिन आपसे कहा गया है कि तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा, ठीक है, तीन अंकों की संख्याओं का लासा एवं मासा की बात की गई है। तो बात करेंगे, जैसे तीन संख्याएं ले लें आपकी 16, 32 और 48, ठीक है, और इसमें ये भी आपसे कहा गया है कि एलसीएम जो निकालने की आपकी विधियां हैं, ठीक है, आप दो विधि से निकाल सकते हैं। नंबर एक गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, और नंबर दो भाग विधि, ठीक है, इन दो विधियों द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि बात करें तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करके उनके गुणनखंड करने, अभाज्य संख्याओं को शामिल करके, और वो आपको पता है अभाज्य संख्या क्या होती, वे संख्याएं जो केवल स्वयं की संख्या से कटें और एक से कटें, ठीक है, वे संख्याएं जो केवल स्वयं की संख्या से कटती हैं और एक से पूर्णतः विभाजित होती हैं, ऐसी संख्या आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड से कर सकते हैं और भाग विधि, दो विधियों द्वारा आप एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपसे पूछ भी सकता है, कह भी सकता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात की या भाग विधि से, ठीक है। आप चाहे जौन सी अगर यदि कहेगा ही कि अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात कीजिए तब आप करेंगे, नहीं तो आप भाग विधि से सिंपल रहता है थोड़ा, तो वो आराम रहता है, ठीक है। और यदि कहता है गुणनखंड विधि से दिखाइए अभाज्य गुणनखंड, तब आप वहाँ पर कर लेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इनके निकालने के, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है, तो देखेंगे 16 के क्या हो जाएंगे, फैक्टर करेंगे 16 गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएंगे, 2 से भी कटेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 2 दूनी 16, ठीक है,
हो जाएंगे गुणनखंड 16, ठीक है। फिर बाद में क्या दिया, 32 दिया गया, 32 के करेंगे यदि तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 सिंपल से लिए है, ठीक। फिर दिया गया 48 दिया गया, देखेंगे इसके करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48, ये इसके आपके फैक्टर कर लिए अभाज्य गुणनखंड। इसमें 2 और 3 कैसी अभाज्य संख्याएं हैं, इनका प्रयोग करके हमने इनके फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल लिए। तो इसको हम देखेंगे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं। और इसमें देखेंगे 2 कितनी बार दिया 5 बार, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। तो यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार दिया गया 4 बार दिया गया, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और यहाँ पर 3 कितनी बार दिया गया 1 बार दिया गया, और 3 1 बार लिख सकते हैं। तो देखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करना रहता है, आपको जो दी गई संख्याओं के आप गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसके बाद आप ये देखेंगे जो आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं, तो देखेंगे जिसमें अधिकतम घातांक, ठीक है, अधिकतम घात वाला, जिसमें अधिकतम घात है, उन संख्याओं का गुणनफल ही आपका अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम निकालना होता है, अधिकतम घातांक वाला, ठीक है, जिसमें अधिक घात है, सबसे अधिक घात है, अधिकतम घातांक वाले का गुणनफल, ठीक है, वाले का गुणनफल निकालना रहता है एलसीएम निकालने के लिए। क्या करना रहता है, जब आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब आप कर रहे हैं तो उसमें देखें अधिकतम घातांक वाले वाले का गुणनफल करते हैं, ठीक। तो इसमें देखेंगे 2 की पावर 4 दिया गया है, आपने देखा यहाँ पर 2 की पावर 5 दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पर 2 की पावर 4 दिया गया और गुणे 3 पावर 1 दिया गया, ठीक। तो आपको एलसीएम निकालना, सबसे अधिकतम घात किसकी है, 2 की पावर 5 है, आपने किया, ठीक है, आप इसे पावर के रूप में लिख लिया। इसके रूप में देते 1 2 3 4, इसमें 5 बार 2 दिया गया था, ठीक है, बात एक ही है, 2 की पावर 5 लिखा है, ठीक है। इसमें देखा 2 की पावर 4 था, लेकिन देखा 2 की पावर 5 जो है वो सबसे बड़ा है, और यहाँ पर दिया गया 3 पावर 1, मतलब एक ही जोड़ा है इसके साथ में, कोई इसमें 3 पावर के साथ कोई है नहीं, तो अधिकतम घात इसमें एक ही हो जाएगी 3 की। तो इनका गुणनखंड करना है 2 की पावर 5 गुणे 3 पावर 1, ठीक है, लिखा गुणनफल करना है उनका। तो देखेंगे 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, 32 और 3 की पावर 1, जब किसी की पावर 1 होती है, कोई भी संख्या आपकी दी गई है 3 की पावर 1 है, तो उसका मान 3 ही होता है, ठीक, एक पावर हमेशा होती है। और यहीं पर यदि 3 की पावर कोई 0 हो जाती है, तब मान कितना हो जाता है, तब मान आपका 1 हो जाता है। इन चीज़ों का आपका विशेष करके आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जैसे 3 की पावर 0 है तब आपका मान कितना हो जाता है, तब आपका मान 1 हो जाता है, ठीक। तो इसमें गुणा कर लेंगे, 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 होता है, और 3 की पावर 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 32 का 3 में गुणा करेंगे, 32 दिया कितना होता है, हाँ 96 होता है, कितना होता है, 96 होता है। आपका एलसीएम इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। आपको संख्याएं दी गई थी 16 32 और 48, ठीक है, ये 3 संख्याएं दी गई 16 32 48। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपको क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले आप उनकी दी गई संख्याओं के आप फैक्टर करेंगे, आपने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड कर ली। इसके बाद आपने देखा कि अधिकतम घात किस अंक की अधिकतम घात है, तो इसमें आपने चेक किया, यहाँ पर 2 की पावर 4, यहाँ पर 2 की पावर 5 आ रही है, और 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1, ठीक है, 3 एक बार ही आया है, तो 3 की पावर 1। तो इसके बाद देखें जो अधिकतम घात वाले हैं उनका हम क्या करते हैं, गुणनफल कर लेते हैं। अधिकतम घात वाले अंकों का, संख्याओं का हम गुणनफल ज्ञात ही कर लेते हैं, वही आपका एलसीएम हो जाता है। तो 2 की पावर 5 अधिकतम घात था, वहाँ पर 3 की पावर 1 अधिकतम घात थी, तो देखा आपका एलसीएम कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है। ये तो आपका अभाज्य गुणनखंड विधि है, जब आपसे कहे तब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। और आगे आपको बता रहे हैं अभी भाग विधि, ठीक है, भाग विधि इससे सिंपल हो जाती है, ठीक है, भाग विधि क्या होती है, इससे सिंपल होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि में आप क्या करेंगे, बड़े बड़े फैक्टर, जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं मिल गई तो आप उनका अभाज्य गुणनखंड करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, तो भाग विधि से थोड़ा सिंपल रहता है, ठीक है। इसमें आपको बड़ी बड़ी संख्याएं मिल जाती हैं, पर उनके आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ भाग विधि से आप यहाँ उनको कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 2 से काटते हैं, देखते हैं किससे काटते हैं, 2 से काटते हैं, संख्याएं कटते हैं तो काट लेंगे, 2 से काटेंगे, देखेंगे 2 8 16, 8 बार में कट जाएगा, 16 2 32, ठीक है, 16 बार में कट जाएगा, और जो 2 2 4 और 2 4 8, ठीक है, कट गया, 2 से भाग लगा दें, 2 से भाग लगा, 2 4 8, 2 8 16, और यहाँ काटा 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है, सीख सभी को आता होगा वैसे।
यहाँ का ठीक है, दो दूनी समझ लेना है ठीक है। एक बार आपको पढ़ना तो सब कुछ है, छोड़ना कुछ नहीं है ठीक है। आपको आता है थोड़ी देर कॉपरेट करेंगे ठीक है। काटेंगे 2 चौको 8 कोमा लगा दें और 2 छंग 12 ठीक है। 2 से काटा, अभी भी 2 से कट रहा है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 3 6 ठीक है। अब देखेंगे 2 से फिर भी एक बार कट रहा है, काट देंगे, 2 एकम 2 1 है तो 1 तो रहेगा, 2 एकम 2 ये 3 नहीं कटेगा, सेम उतार देते हैं, जब नहीं कटता है तो सेम उतार देते हैं, और 3 से काट देंगे 1 1 1, तब तक काटना है जब तक आपको 1 1 प्राप्त ना हो जाए ठीक है। आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है नीचे, ठीक है अब आपको दिख रहा होगा, तो आपको तब तक काटना है जब तक आपको 1 1 प्राप्त ना हो जाए। लास्ट में 3 से कट गया ठीक है, 3 एकम 3। आपको अब क्या करना है, इनके अभाज्य गुणा मतलब भाग विधि द्वारा किया तो इनके सिंपल साइन ही सभी के गुणा कर लेते हैं ठीक है। क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं के आपको सीधा एलसीएम निकालने के लिए क्या कर लेते हैं, इनका गुणा कर लेते हैं। तो देख लेंगे 2 कितनी बार आया है इसमें, 2 × 2 5 बार आया है ठीक है, 2 × 2 × 2 × 3। आपको अभी हम बता चुके हैं 2 की पावर 5 क्या होता, 32 होता, और 32 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा ठीक है। गुणा करेंगे भी तो आंसर कितना आएगा, आंसर ऐसे भी आएगा, लेकिन यह जो विधि है थोड़ी भाग विधि से थोड़ा आपको सिंपल रहता है, 2 से भाग लगा के आप काटते चले जाते हैं। आपको कोई बड़ी संख्या मिलेगी उसके आप डायरेक्ट फैक्टर नहीं करते हैं, आपको इतना नहीं पता है कि गैस नहीं लगा पाएंगे ठीक, गुणनखंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर कर कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए, कोई बड़ी संख्या देगी तो आप क्या करेंगे, भाग विधि से जो है 48 से केवल 48 का भाग विधि द्वारा से आप उसके फैक्टर कर लेंगे ठीक है। भाग विधि द्वारा 48 करके फिर बाद में आप रफ काट करके लिख सकते हैं, वहाँ पर कोई बड़ी संख्या जैसे मिल जाए तो आप भाग विधि द्वारा उसके फैक्टर कर लेंगे, इसके बाद उसको लिख लेंगे ठीक है, यदि बड़ी संख्या मिल जाती है तो। और यदि कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताइए तब ठीक है, और भाग विधि द्वारा बताए तो बिल्कुल सिंपल सा है, तो ये आप समझ गए, इस प्रकार से आप तो कर सकते हैं ठीक है। अब देखेंगे आगे, आगे हो सकता है ऐसे तो आप कर लेंगे ठीक है, और हो सकता है कि दशमलव संख्याओं का यूज करके पूछ दे, क्या करके, दशमलव संख्याओं का प्रयोग करके भी पूछ सकता है कि उसमें दशमलव संख्याओं को ऐड कर दे। तो देखेंगे जैसे दशमलव संख्याएं 0.9 है ठीक है, 0.18 है ठीक है, और भी कोई संख्या लिख सकते हैं, हाँ 3.6 दिया है, 3.6 का लासा ज्ञात कीजिए ठीक है। वैसे वाले तो आप कर लेंगे तीन संख्याओं के, हो सकता है कि दशमलव के रूप में दे दे, बात वही है, लेकिन यहाँ क्या किया है, उसने दशमलव संख्याओं का उपयोग कर दिया ठीक है। अंक तो 3 ही है, लेकिन उसने क्या किया, अब की बार उसने कुछ नहीं किया, उसने दशमलव इसमें लगा दी और कह दिया एलसीएम बताइए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देखेंगे कि अधिकतम कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है, तो आप देखेंगे इसमें हमेशा आपको पता है आप किधर से गिनते हैं दशमलव को, इकाई अंक मतलब इकाई अंक किधर से गिनते हैं, उसी तरफ से गिनते हैं, मतलब आपके दाया हाथ जो है उसी तरफ से गिनते हैं ठीक है, दाएं तरफ से हमेशा दशमलव को गिना जाता है। तो यहाँ पर 1 अंक बाद है, कितने अंक, 1 अंक बाद, इसमें तो 1 अंक बाद है, इसमें कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद ठीक, कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, और इसमें 1 अंक बाद, तो अधिकतम अंक बाद दशमलव किसमें है, इसमें है ठीक है। अधिकतम कितने अंक बाद है, अधिकतम 2 अंक बाद है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, उसमें अधिकतम 2 अंक हैं तो उसमें 2 0 यानी 100 से गुणा करा देंगे, किससे गुणा करा देंगे, 100 से गुणा करा देंगे उन सभी संख्याओं में, 100 से गुणा उन सभी संख्याओं में लिख लेंगे, उन सभी संख्याओं में, 1 सेकेंड, उन सभी संख्याओं में ठीक है, 100 से मतलब 2 अंक बाद है, इसमें 1 2 अंक बाद दशमलव दिया गया है आपको, तो कुछ नहीं करें, अधिकतम 2 अंक बाद दिया तो 2 0 मतलब 100 से 2 0 है इसमें, तो 100 से गुणा करा दें उन सभी संख्याओं में, तो जब इन सभी संख्याओं में 0.9 है, इनमें 100 का गुणा कराएंगे ठीक है, कोमा 0.18 है, इसमें भी 100 से गुणा करा देंगे, और 3.6 है गुणे 100, इन सभी संख्याओं में 100 से गुणा करा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 1 अंक बाद 0 1 अंक हो जाएगा ठीक है, इसमें 2 0 हैं तो
एक अंक ये दशमलव को इसको क्रॉस कर देगा, एक अंक मतलब एक जीरो और बचेगी, तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो है वो दशमलव को समाप्त कर देगी, फिर भी एक जीरो बचेगी, वो जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 90। यहाँ पर दो अंक है, ठीक है, ये दोनों जीरो इस पॉइंट को बाहर केवल कर पाएंगी, यहाँ पर केवल आपका 18 बचेगा, यहाँ पर दो जीरो हैं तो दो अंक बाद दशमलव को पार करेगी, ठीक है, मतलब इनको पूर्णता कर पाएगी, यहाँ पर केवल 18 बचेगा। यहाँ पर तीन पॉइंट है, मतलब एक जीरो तो दशमलव को क्रॉस खत्म कर देगी, लेकिन एक जीरो ये वाली आपकी बचेगी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 360। अब आप कुछ नहीं करेंगे, इन दी गई संख्याओं में 90, 18 और 360 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इनका एलसीएम आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो देख लेंगे यहाँ पर एलसीएम आपको निकाल लेंगे, ठीक है, कितना आपको प्राप्त हुआ, 90, 18, 360, देख लेंगे 90, 18, 360 इधर लिख दे, 90, 18 और 360, इन संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना है। निकालेंगे एलसीएम, देखेंगे दो से काटेंगे पहली बार तो कितनी बार में कट जाएगा, 45, ठीक है, यहाँ पर काटेंगे दो निम 18, दो से काटेंगे, दो एकम दो, दो अट्ठे 16 और ये जीरो, ठीक है, दो से काटेंगे ये कटेगा नहीं कट पाएगा, 45 सेम उतार देंगे, ठीक है, नौ कटेगा नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, 180 कटेगा हाँ कट जाएगा, दो निम 18 कट जाएगा। अब देखेंगे दो से फिर काटेंगे, दो से 45 कटेगा नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, देखते जाएंगे, नौ कटेगा नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, 90 कटेगा हाँ कट जाएगा, 45 दूनी 90। अब देखा यहाँ पर 9 है 45, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, दो से बात क्या आता 3 आता, आप 3 से काटने की कोशिश करेंगे, 3 से काटेंगे कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ठीक है, 3 तरका 9, 3 पचे 15, ठीक है, 3 से फिर काटेंगे तो काटेंगे 3 पचे 15, 3 से काटेंगे 15 में भाग लगाएं, 5 बार जाएगा 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 पचे 15, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसमें 5 है इसमें भी 5 दिया गया, ठीक है, तो क्या करेंगे 5 से भाग लगा दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, आपको एक एक प्राप्त हो गया। बस अब दी गई संख्याओं का आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, देखते जाएंगे ध्यान से, दी गई संख्याओं का आपका गुणा कर लेना है, ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा देखेंगे ध्यान से, बातें नहीं करेंगे ध्यान से देखते जाएंगे, क्योंकि ध्यान यदि हटाएंगे तो आप हो सकता है उस चीज़ को ना पकड़ पाएँ, ठीक है, 2 × 4 × 8 45, ठीक है, 40 तियाँ 120, 120 तियाँ 360, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। और आपने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि इन सभी में आपने 100 से गुणा कराया था, क्योंकि अधिकतम दो अंक बाद दशमलव दिया गया था, क्या किया था 100 से गुणा किया था, और अंत में क्या करेंगे आप, जो 100 से गुणा किया था उसको बराबर करने के लिए आप क्या करेंगे, जो एलसीएम आपको प्राप्त हुआ उसमें 100 से भाग लगा देंगे। जब आप 100 से भाग लगा देंगे तो इसमें क्या होगा, दो अंक बाद दाईं तरफ से दशमलव लग जाएगी, ठीक है, आपका प्राप्त क्या हो जाएगा 3.60 ही, यही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम आपका हो जाएगा 3.60, ठीक है, आपका यही एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, आपने एलसीएम निकाला कितना आया था 360 आया था, लेकिन यहाँ पर देखा किसी भी संख्या में आपका दशमलव नहीं लगा हुआ था, लेकिन जब शुरू में आपको यहाँ से ये पूछा गया था तब ये आपका इसमें दशमलव लगा हुआ था, इसमें आपने देखा कि अधिकतम कितने अंक बाद दशमलव लगा, तो इसमें तो एक अंक, लेकिन अधिकतम दो अंक बाद दशमलव लगा, तो दो अंक बाद दशमलव लगा था अधिकतम, तो आपने क्या किया दो जीरो को, मतलब दो जीरो मतलब 100 से गुणा करा लिया, दो जीरो का मतलब 100 से गुणा करा दिया, तो आपको सिंपल सी संख्याएँ प्राप्त हो गई, ठीक है, 90, 18, 360 प्राप्त हो गई। दशमलव का गुणा तो कर लेते होंगे, यहाँ पर जैसे दो जीरो है तो एक जीरो तो इस दशमलव को क्रॉस कर देगी, फिर भी एक जीरो बचेगी वो ऐड हो जाएगी और आपका 360 हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार से गुणा करा दिया, गुणा में 90, 18, 360 प्राप्त हुआ, ध्यान से सुन लेंगे। इसके बाद आपने एलसीएम भाग विधि द्वारा निकाला, एलसीएम आपको 360 प्राप्त हुआ, लेकिन आपने पहले 100 से गुणा किया था, अब वही गुणा ना करके अब की बार क्या करेंगे, अंत में 100 से भाग लगा देंगे, तो 3.60 आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, अब की बार आपको कभी दशमलव संख्याओं से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आप कर लेंगे, आपको कैसे भी पूछा जाए, ठीक है, समझ गए होंगे। लास्ट में क्या करना, जैसे 100 से गुणा किया तो अंत में ये ध्यान रखना 100 से आपको भाग करना रहेगा, जितने अधिकतम अंक बाद आपको गुणा करने किया गया, ठीक है, 3 अंक अधिकतम होता तो 1000 से गुणा कर लेते, 1 अंक बाद था सभी में 1 अंक होता तो 10 से गुणा कर लेते, ठीक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे।
आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, ठीक है, बता सकते हैं। 2.4 है, ठीक, 1.5 है, ठीक है, और बता सकते हैं। सिक्स पॉइंट जीरो लिख सकते हैं, ठीक। इनका एलसीएम आप निकाल करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है, एलसीएम कितना है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप कोशिश कर लेंगे, ठीक है। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे बाद में, क्लास ख़त्म होने के बाद, ठीक। इस प्रकार से आप कर लेंगे, ठीक है, जब भी आपसे दशमलव के बारे में पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, ठीक, कुछ नहीं करना, संख्या बस उसको दशमलव हटाना रहेगा, बाद में दशमलव को क्या करना रहेगा, ऐड करना रहेगा, बस इतना करना रहेगा। अब आगे देखेंगे, आगे दिया गया है, आगे दूसरी तरीके से दिया गया, इसमें कह रहा है 10a² bc, ठीक है। इस प्रकार से भी आप समझ लेंगे एलसीएम को, मतलब हर तरीके से एक एक क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आप उसको देख लेंगे। फिर कह रहा है 15a bc², ठीक है। आगे दे रहा है, कह रहा 20 20a² b² c का एलसीएम मतलब लासा ज्ञात कीजिए, ठीक है, लासा ज्ञात कीजिए, ठीक। इस प्रकार से भी आपसे पूछ सकता है, ये ना दे करके, ये 10 15 ना दे करके, खाली मतलब व्यंजक रूप का दे करके भी आपसे एलसीएम पूछ सकता है। आपको किसी भी तरीके से आपकी बार नहीं छोड़ना है, ठीक है, चाहे जैसे पूछे, लेवल ऊपर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है तो बात तो एलसीएम की ही है, बात तो एलसीएम की ही चल रही है, कोई बाहर तो है नहीं इससे, ठीक है, तो पूछ सकता है इससे भी। तो इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार से एलसीएम पूछ रहा, तो आप कुछ नहीं करें, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि आपको 10 15 20 ये सिंपल सा दिया गया है, और a b² c बस ये ऐड कर दिया, इसमें थोड़ी बस ये समस्या हो जाएगी, बस ध्यान से देखेंगे 10a² bc के आप गुणनखंड करेंगे, ठीक, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, 2 × 5 10 हो जाएगा, 2 × 5 करेंगे 10 हो जाएगा, ये गुणे में क्या है a², सभी गुणे में लिखे क्या लिखा, बी लिखा है, लिख लेंगे वैसे जैसे लिखें, सी लिख लिया आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे दिया गया 15a bc² ये दिया गया, गुणनखंड करेंगे, आपको पता है 15 गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 5, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड बातें, ठीक है, 3 × 5 क्या रहेगा, 3 × 5 15 हो गया, जो आगे दिया वही लिख लें, ए दिया गया a × b × c², ठीक है, सिंपल सा लिख लिया। आगे दिया गया आपको 20 20 a² b² और c, इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 × 4 5 20 हो गया, 2 × 4 5 20, फिर क्या दिया, × a² दिया गया, a² × b² और × c, ठीक, ये आपने गुणनखंड कर लिए, किस विधि से हुए, अभाज्य गुणनखंड। आपको हम बता चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब करते हैं तो क्या देखते हैं कि अधिकतम घात वाले, क्या बताया था, अधिकतम घात वाले जो हैं उनका गुणनफल ही आपका क्या होता है, एलसीएम होता है, जो अधिकतम अंक वाले, अधिकतम घात अंक, अधिकतम घाती अंक हैं उनका ही गुणनफल ही क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो देखेंगे अधिकतम घात वाले क्या करेंगे, सभी देखें अधिकतम घात वाले, यहाँ पर देख लेंगे आप, देखेंगे यदि 2 की पावर 1 मान लेंगे, क्या लिखा, 2 की पावर 1 लिखा है, 5 की पावर 1 भी लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर a², इसमें 2 घात हैं, b × c, इस प्रकार से आपको लिख के बता दे, ठीक, इनकी पावर कितनी है, 1 1 है, 1 1 पावर सभी पर होती है। इसकी बात करेंगे यदि हम, 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, 5 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और a की पावर 1, b की पावर 1 और × c की पावर 1, ठीक है, क्या 1 1 लिखा है, समझ लेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 देगी, 2 की पावर क्योंकि 2 बार हुआ, 2 की पावर 2, और 5 की पावर कितनी है आपको, 1 है, कितनी है, 5 की पावर यहाँ पर आपको 1 है, 1 की पावर 2 है, ठीक है, a² है, × b², b की पावर भी 2 है, और c की पावर कितनी है, 1 है। तो अधिकतम पावर वाले को यूज करना है, तो यहाँ पर आपने पाया 2 की पावर अधिकतम है, यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, आपने तुरंत क्या करें, 2 की पावर 2 को लिख लिया अधिकतम घात वाले।
फिर देखा 5 की पावर को, 5 की पावर 1 के अलावा कोई भी है इससे ज़्यादा? तो देखा 5 की पावर 1 के अलावा कुछ है ही नहीं, तो सब अधिकतम घात यही हो जाएगा। ठीक है, जब आसपास कोई होता नहीं है उससे ज़्यादा, तो उसी को तो अधिकतम मान लेते हैं। आपके आपके शरीर के वजन में आपसे ज़्यादा कोई है ना, तो अधिकतम कौन हो जाएगा, वही हो जाएगा, चाहे उसका 100 ग्राम ही क्यों ना वजन हो। ठीक है, तो 5 की पावर 1 ही भी इसमें अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 5 बार 3 पावर 1 भी दिया गया, इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले इसको आएगा क्रम से भी लिख सकते हैं, 3 पावर 1 5 पावर, क्योंकि 3 पावर 1 ही है। ठीक है, 5 पावर 1। अब देखेंगे ए स्क्वायर में, यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर केवल ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर, तो अधिकतम घात 1 की पावर कितनी है, 2 है। 1 की पावर अधिकतम कितनी है देख लेंगे, 1 की पावर 2 है। और देखेंगे बी की अधिकतम पावर कितनी है, 2 है। कितनी है, 2 दी गई, b की पावर 2। और कहीं है, और कहीं तो दिख नहीं, एक एक है सब में, तो b की पावर 2 भी लिख लेंगे। और सी की पावर जब एक ही है, इसके अलावा कोई है ही नहीं, बस लिख लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो देखेंगे 2 दूनी 4 3 12 5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर हो जाएगा, और बी स्क्वायर और सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्या हो जाएगा, 60 ए स्क्वायर b स्क्वायर c, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे बिल्कुल, आपको कुछ नहीं कि आपने गुणनखंड किए केवल, और उनकी अधिकतम पावर वाले जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अधिकतम पावर वाले ध्यान रखना, तीनों में देखना, मतलब जितनी संख्या दी अधिकतम घात वाले को लिखना है, अधिकतम घात वाले का गुणनफल क्या करना रहता है, गुणनफल करना रहता है, ये देखना। तो इसमें देखा था आपकी अधिकतम घात वाले पूरे में देखा, 2 की पावर 2 अधिकतम थी, 5 की पावर 1 ही अधिकतम इनके इनके साथ में कोई है नहीं। ठीक है, और 3 की पावर 1 के अलावा कोई भी अधिकतम घात नहीं, एक ही हो जाएगी अधिकतम, तो उसके टक्कर में कोई है नहीं। और 1 की पावर 2 है, बी की पावर भी अधिकतम 2 है, और सी की पावर 1 ही थी, तो 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 5 की पावर 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 1, तो 60 ए स्क्वायर b स्क्वायर c, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। चाहे आपको ये जैसे गायब भी कर लेता तब भी आप निकालते तो क्या आता, जब ये गायब कर ले तो इसमें अंक वाला ये डिजिट वाला, ठीक है, ये गायब हो जाते, a² b² c हो जाता। ठीक, कैसे भी हो आप उसको उस हिसाब से बना करके उनके आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लिख करके ऐसे वालों को जल्दी निकल जाता है। ठीक है, क्योंकि भाग विधि इसमें उपयोग नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, समझ गए होंगे आप कितना आएगा आंसर, 60 ए स्क्वायर b² c। नहीं समझ में आता आप वीडियो को दोबारा शुरू करके भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक आप कुछ कठिन दिमाग पर लोड नहीं लेंगे तब तक कोई फायदा नहीं। ठीक है, थोड़ा लोड इस सवाल को देखेंगे। ठीक है, अब ये सवाल एलसीएम पर ही आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है, एलसीएम पर आधारित है, लेकिन कहीं भी लिखा है कि एलसीएम ज्ञात करना है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन आपने परिभाषा में ये देखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूर्णतः विभाजित तो हो जाता है, वह उस संख्या का, उन संख्याओं का एलसीएम होता है। तो यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या का वर्ड यूज हो गया, ठीक है, उसी से परिभाषा रिलेटेड हो गया, मतलब उसकी डेफिनेशन से। ठीक है, 15 तो 25 और 30 से, मतलब 15 25 30 ये संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेषफल बचे। तो ठीक है, तो आपको छोटी से छोटी संख्या बारे में पूछा गया, तो आपको दी गई संख्याएँ 15 25 और 30 का क्या करेंगे आप, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। और कह रहा प्रत्येक दशा में 11 शेषफल बचे, तो एलसीएम ज्ञात करने के बाद उसमें जब आप 11 जोड़ देंगे तो प्रत्येक दशा में इन संख्याओं द्वारा भाग लगाने पर आपका 11 शेषफल बचता रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए सवाल है, तो उसके बारे में ये पता होना चाहिए ये करेंगे कैसे। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे सवालों में आपको एलसीएम करना रहता है, इसके बाद जो शेषफल कह रहा बचता है उसको जोड़ देते हैं, बस ऐसे सवालों को यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, बस इनकी यही महत्व, बस यही होता है कि पता होना चाहिए को किस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो 15 25 30 का आप क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, भाग विधि से सिंपल हो जाएगा। देखेंगे कोई ऐसी संख्या है जो 2 से कट जाएगी, हाँ 30 ऐसी संख्या है, और आपको पता है 2 से कटने वाली संख्याओं के अंत में आपको पता है 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, इस प्रकार से यदि इकाई अंक, ठीक है, क्या होता है इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक यदि 0, 2, 4 इस प्रकार से है, तो दी गई संख्या आपकी 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती। ठीक है, इसमें 30 30 लिखा है, इसमें इकाई अंक क्या 0 था, तो देखेंगे
दो से कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, 25 नहीं कटेगा सेम उतार देंगे, और 30 कट जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 बार में कट जाएगा। अब आप देखेंगे कोई संख्या दो से कट रही, कोई भी अंक या दो चार कुछ है ही नहीं अंक में, 2 4 8 दो का गुणज भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप, इसके बाद देखेंगे 3 से, दो के बाद क्या अंतिम अंक 3, तो 3 से देखेंगे कोई संख्या कट जाएगी, हाँ 3 से वे संख्याएँ कटती हैं, इसमें आपका एक जो विभाजता का नियम भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। जिनके अंकों का योग कितना होता है, जिनके अंकों का योग आपको हम बताते चलते हैं, एक धैर्य रखेंगे थोड़ा, ठीक है, जो भी सीख लेंगे अच्छी बात है। जिन अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, योग 3 से विभाज्य हो, वे संख्याएँ 3 से कट जाती हैं, ठीक है, 3 से विभाज्य योग, जिन अंकों का योग, तो एक 15 लिखा है तो 15 के अंकों का योग करेंगे, जैसे 15 लिखा इनके अंकों का योग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, आपको पता है 6 3 से कट जाता है, ठीक है। यदि इनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो वह संख्या पूर्ण 3 से विभाजित हो जाएगी, मतलब वो संख्या 3 से आपकी कट जाएगी, तो 3 5 15 आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। और 25 कटेगा नहीं, 2 5 यहाँ पर क्या, 2 और 5 है 7 हो जाएगा, ठीक है, ये संख्या नहीं 3 से कट पाएगी, सेम उतार देंगे और देखें 15 हाँ कट जाएगी, 3 5 15 आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए कोई संख्या 3 से कटेगी अब नहीं कट पाएगी, अंकों का योग किसी का नहीं है, ठीक है, 3 का उड़द, तो देखेंगे इसमें 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है, तो देखेंगे आप 5 से काट देंगे, 1 1 1 आपको 1 1 प्राप्त हो गया, ठीक है, तब तक का आपको काटना रहता जब तक कि आपको 1 1 यहाँ पर मान लीजिए आपको छोटी संख्याएं दी थी, ठीक है, तब तो आप निकल ली। अब कोई बड़ी संख्या दी गई, आप चक्कर में पड़ेंगे 3 से कटेगी या किससे कटेगी, आपको यदि इस प्रकार से पता है विभाजता के नियम, आप प्रथम सेमेस्टर में पहले सेमेस्टर में थे वहाँ पर यदि आपको ध्यान है तो जल्दी से हो जाएगा, ठीक है, तो आप निकाल लेंगे एलसीएम कितना आएगा, 2 3 2 × 3 लिख लेंगे, 2 × 3 × 5 × 5 2 3 6 5 30 5 30 5 15 150 कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम आपका 150 प्राप्त हुआ, एलसीएम कितना आपको प्राप्त हुआ 150, लेकिन क्या कह रहा है प्रत्येक दशा में शेषफल बचे, तो एलसीएम आपको जो प्राप्त हुआ है कितना प्राप्त हुआ था 150, तो उसमें क्या करेंगे, जो एलसीएम बच रहा है मतलब जो बच रहा है शेषफल, रिमाइंडर जो बच रहा है कह रहा 11 शेषफल बचे, तो बस उसी को हम ऐड कर देंगे, तो 1 का 1 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका क्या होगा, आंसर आपका आएगा 161, क्या आएगा 161 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका 150 क्या आया था, एलसीएम आया था 150, लेकिन कह रहा था प्रत्येक दशा में 11 शेषफल बचे, तो 150 में जो एलसीएम आपको प्राप्त हुआ है उसमें आप 11 जोड़ देंगे, आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा, तो इसमें इतना टाइम लगा है, लेकिन आप करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, 15 25 आपको 30 को डायरेक्ट एलसीएम निकालना है, एलसीएम आता है 30 40 सेकंड में आपका एलसीएम निकल आएगा स्पीड में, ठीक है, 150 आएगा उसमें 11 जोड़ देंगे, 161 आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आधारित भी आपको प्रश्न करने हैं, ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा, इसमें देखेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक इसको 2 दे, कह रहा है कि 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 और 5 की पावर 6 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, इस प्रकार से आप भी बता दे रहे हैं, आपको फायदा करेगा, सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई कठिन नहीं, इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक, इसमें कोई कुछ समझने का नहीं है, एलसीएम या एलसीएफ हो सकता है, एक नंबर पूछ ले, तो 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 6 का एलसीएम क्या होगा, तो इसमें एलसीएम हमेशा अधिकतम घात वाला, ठीक है, इस प्रकार से यदि हर समान मतलब अधिकतम आधार समान हो, क्या समान हो, आधार, सबके ध्यान रखें आधार क्या, आधार समान हो, बेस समान हो, ठीक है, आधार समान हो तो अधिकतम घात वाला ही क्या होगा, एलसीएम होगा, अधिकतम घात वाला एलसीएम होगा, ठीक है, ये ध्यान रखें, अधिकतम घात वाला, अधिकतम घात क्या है, 5 की पावर 6, यही आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 5 की पावर 6 इसमें अधिकतम घात दिया गया है, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, इस प्रकार से भी हो जाएगा, ठीक है, यदि इस प्रकार से पूछा जाता है, नहीं भी पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जब इस प्रकार से पूछा जाए तब आप कर देंगे, ठीक है। अब इसमें आगे वाला सवाल देखेंगे, इस सवाल में आप देखेंगे कि आपको पता ही नहीं चलता इसमें करना क्या है,
ठीक है, इस प्रकार से आपको खूब सवाल पूछे जाते हैं। वो एक प्रकार से चक्कर वाला पूछ देता है कि कोई व्यक्ति चक्कर लगा रहा है, ठीक है, व्यक्ति चक्कर लगा रहे हैं किसी वृत्ताकार पथ पर, उसमें कब वो एक साथ मिलेंगे। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक, एक साथ कब मिलेंगे, तो उसमें आपको क्या करना रहता है, ऐसे सवालों में केवल आपको एलसीएम निकालना रहता है। ये ध्यान रखें क्या करना रहता है, सबसे पहले इन दी गई संख्याओं में जो संख्याएं दी गई उनका केवल आप एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, आगे फिर इसके बाद प्रोसेस पढ़ेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहता है, एलसीएम निकालना रहता है। यहाँ पर अंक आपको दिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, ठीक है, 6 घंटियाँ हैं, 2, 2, 4, 6 घंटियाँ दी गई आपको, वो कम 2, 4, 6 और 8 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं, तो वे 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे, मतलब 30 मिनट के अंतराल में कितनी बार वो एक साथ बजी होंगी, उनके बारे में पूछ रहा है। तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप लेकर के देखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 120। कैसे, अब आप 120 काट करके भी देखेंगे, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से, 15, 8, 120, ठीक है, 10, 12 गुणे 10, ठीक है, 120 और 12 ढाइयाँ 120, ठीक है। तो ये संख्या, ऐसी संख्या एलसीएम में लेनी रहती है, आपको परिभाषा से ही पता है कि दी गई संख्या इन संख्या इन अंकों द्वारा दी गई संख्याओं द्वारा इन इन संख्याओं द्वारा जो संख्या आप छोटी से छोटी संख्या है ये पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। तो ये अंक आपको 2, 4, 6, 8, 12 हैं, तो इनके द्वारा ये संख्या पूर्णतः कट जाएगी, तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आप निकाल लेंगे, ठीक है, हमने डायरेक्ट आपको बता दिया एलसीएम क्या आएगा, आपका 120 आएगा, क्योंकि सिंपल सा है, आप एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आप कह रहा 30 मिनट के अंतराल में कितने एलसीएम कितना है, 120, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया आपको, सेकंड दिया गया, तो 120 सेकंड, ठीक है, सेकंड लिख लेंगे, 120 सेकंड हो जाएगा, 120 सेकंड, यहाँ पर मिनट दिया गया, तो 120 सेकंड में, एक मिनट में आपको तो सभी को पता है एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, जाहिर सी बात 60 सेकंड सभी को पता होगा, सिंपल सा छोटे से ही सीख लेते हैं एक मिनट में, ठीक, तो 120 सेकंड है तो कितना हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे, टोटल कितने मिनट हो जाएंगे, 120 सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में 2 मिनट, तो 30 मिनट में, तो 30/2 करना रहेगा, और काटेंगे कितनी बार बचेंगी, 15 बार एक साथ बजेगी, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि आपको मिनट 30 मिनट में कितनी बार, तब लिख सकते हैं, तब 30 मिनट में इस प्रकार से आप लिख भी सकते हैं, 30 मिनट में कितनी बार, लिख देंगे 30 मिनट में कितनी बार, तो 30/2 किया था, कितना आया था, 15 आया था, तो इस प्रकार से आप 15 बार ये एक साथ बजी होंगी, ठीक है, 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजी होंगी, वो 15 बार एक साथ बजी होंगी। तो क्या करना रहता है, ऐसे सवालों में हमेशा आपको दी गए अंकों का एलसीएम ज्ञात करना होता है। यहाँ पर देखा आपने सेकंड में दिया गया, मीटर में दिया जाता है मीटर मान लेते, जो भी दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर सेकंड में दिया सेकंड मान लिया, लेकिन यहाँ पर आपको 30 मिनट दिया था, तो सेकंड को आपने मिनट में बदल लिया, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते, 2 मिनट, तो 120 सेकंड कितने हो जाए, 2 मिनट हो जाएंगे, 120 सेकंड में कितने मिनट हो जाएंगे, 120 सेकंड में आपके 2 मिनट हो जाएंगे, तब 30 मिनट में, तो 30/2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 के सापेक्ष पूछ रहा है 120 कितनी बार बचेंगे, तो 30/2 करेंगे, कितने बार, 15 बार भी एक साथ बजी होगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, ठीक है, नहीं समझे, समझ गए होंगे, नहीं समझे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके, मतलब बैक करके आप दोबारा से देख सकते हैं ध्यान से, ठीक है, ध्यान को एकाग्र रखेंगे तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। ये तो बात आपकी हो गई, कहाँ तक की, एलसीएम तक की आपकी बात हो गई, और एचसीएम में आप जब आप एलसीएम पढ़ चुके हैं तो एचसीएम में उतना ही सिंपल हो जाता है, ठीक है, एचसीएम में क्या हो जाता है, उतना सिंपल हो जाता है, देख लेंगे आप एचसीएफ के बारे में, एचसीएफ क्या होता है, मासा में क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देख लें यहीं से काम शुरू हो जाता, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः विभाजित करे,
ठीक है, क्या करें, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करें, ये आपको देखना है। ठीक है, जैसे आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में, आपने ले लिया 9 और 15, 9 और 15 ले लीजिए। ठीक है, इनका एस सी एफ निकालना है, का मासा दो अंकों का देख लेंगे, पहले सिंपल सा समझ लेंगे 9 व 15 का मासा क्या होगा। तो आपको इस भाषा से समझना, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, जो दी गई संख्याओं को, ये आपको संख्याएं दो देगी, 9 9 15, दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, वही आपका एस सी एफ होता। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दो संख्याओं को पूर्णतः काट दे? तो आप यदि ऐसे भी मौखिक रूप से समझें तो आपको पता होगा 3। 3 ऐसी संख्या है जो 9 को भी पूर्णतः विभाजित कर देगी और 15 को भी। ठीक है, आप फैक्टर करके भी देखेंगे तो इसमें भी आपको दो विधियां चलते हैं। कितनी विधियां चलती हैं? दो विधियां, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि। अभाज्य गुणनखंड और नंबर दो भाग विधि। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 3 मासा वैसे मौखिक रूप से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब निकाल के भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल कर देखें, अभाज्य गुणनखंड द्वारा कुछ नहीं, इनके गुणनखंड करने सिंपल सी संख्या है इसलिए ले दी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, 9 के करेंगे गुणनखंड क्या होंगे, 3 × 3 होंगे। 15 के करेंगे क्या हुए, 3 × 5। अब आपको ये देखना रहता, या तो सबसे कम घात वाले लिख लो, ठीक है, सबसे कम घात, और नहीं तो आपको इसमें सिंपल सा होता है कि मेल मिला लीजिए, किनका किनका जोड़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें केवल 3 का जोड़ा बन रहा है, और यही आपका एस सी एफ हो जाएगा। एस सी एफ कितना हो जाएगा आपका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा इसमें 9 और 15 के जब गुणनखंड किए, 3 × 3 3 × 5, तो इसमें देखा 3 × 3 के नीचे 3, मतलब एक ही आपका इसमें जोड़ा बन रहा है, तो आपका एस सी एफ कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको केवल ये कितने संख्याओं का है, ये तो आपको केवल 2 संख्याओं का है। कितनी संख्याओं का है? केवल 2 संख्याओं का है। आपको क्या करना है, दो नहीं, दो से अधिक संख्याओं का, मतलब 3 अंकों की संख्याओं का आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखेंगे कोई भी 3 अंकों की संख्या आप ले सकते हैं। संख्या ले सकते हैं 8, 36, 72। ठीक, ये संख्या आपने हमने ले ली। ठीक, 8, 36, 72 संख्या ले ली, और इनके अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल लिए। तो इनका गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, तो देखेंगे 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे क्या होंगे, 8 × 2 × 2 2×4 2×8 होगी, 2 × 4 2×8। 36 के करेंगे सिंपल से, 2 × 4 × 8, 8 × 2 2×4 3 12 3 36। ठीक है, 2 × 4 3 12 3 36। देखिए 72 के, 2 × 4, ठीक है, 4 3 12, 2 × 4 2×8, अरे 2 × 4 2×8 3 24 3 72 हो जाए। ठीक है, 2 × 4 2×8 3 24 3 72, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 8 36 72 हो गए। आप इसमें देखेंगे, या तो सबसे कम घात क्या करेंगे, एलसीएम में सबसे अधिकतम घात वाले, इसमें सबसे कम घात, ठीक है, कम घात, या आप जोड़ा बना लें, या जोड़ा बना लें। ठीक है, जिसमें देखेंगे जोड़ा कितने बन रहे हैं, देखो एक तो ये जोड़ा 2 वाला बन रहा है, देख लेंगे ध्यान से बिल्कुल सिंपल वे में, और ये वाला देख लेंगे, यहाँ पर ये एक सीध में नहीं लिखे हैं, लेकिन ये हमने जोड़ा बना दिया। ठीक है, आप समझ पा रहे हो। ठीक है, इसमें केवल ये 2 जोड़ा, इसका 2 का संगी कोई है, 3 ऊपर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा, चाहे आप घात के रूप में भी लिख सकते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 × 2, यानी यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एससीएफ कितना हो जाएगा, सॉरी एससीएफ कितना हो जाएगा, 4 आपका एससीएफ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 8 36
का एचसीएफ भी लिख सकते हैं, एचसीएफ ही पूछा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ये तो आपने कौन विधि से देख लिया था, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग किया, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने देख लिया कि ये आपके इस प्रकार से हो जाता। ठीक है, जिनका योग मतलब जोड़ा बनता है उनको बना लेते हैं, या सबसे कम घात वाले को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। यदि हम बात करें भाग विधि द्वारा, इसकी भाग विधि द्वारा तीन अंकों की देख लेंगे, सिंपल से आपको अंक क्या दिया गया, 8 दिया गया था और ये 36। ठीक है, तो देख लीजिए, तो इसमें जब भाग विधि द्वारा खेल चलता है तो इसमें ये आपको ध्यान रखना रहता है हमेशा कि जैसे हम 8 और 36 ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 8, 36 ले रहे हैं, तो देखेंगे 8 और 36 में कौन सी संख्या बड़ी है। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे भाग विधि द्वारा मासा निकालना, तो देखेंगे 8 और 36 में कौन सी संख्या बड़ी है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 36 बड़ी। तो आपको ये तो पता होगा कि इस बीच वाले को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं। ठीक है, जिनको पता अच्छी बात, इसको क्या कहते हैं, भागफल, और इसको शेषफल। ठीक है, शेषफल ये तो सभी को पता जो बचता है। ठीक है, तो ये तो आपने सीख लिया भाग भाज्य भाजक क्या होता है। तो देखेंगे जो सबसे बड़ी संख्या है उसको क्या करते हैं, हमेशा भाज्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, भाज्य मान लेते हैं। और जो सबसे छोटी संख्या है इनमें, इन दो संख्याओं की बात कर रहे हैं अभी, इन दो संख्याओं में 36 सबसे बड़ी संख्या थी, उसको भाज्य मान लिया, जो छोटी संख्या है उसको भाजक। देखेंगे अब भाग लगाएंगे, देखेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 × 32। ठीक है, देखेंगे शेषफल कितना बचा, 4। अब क्या करेंगे, जो पहले भाजक था, पहले भाजक क्या था, 8 था भाजक, यहाँ पर अभी भाजक लिखा था, ये भाजक। ठीक है, ये भाज्य था, जो पहले भाजक था वह अब यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, आपका भाज्य। ठीक है, जो पहले भाजक था वो यहाँ पर आकर के क्या बन गया, भाज्य बन गया। और जो यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, शेषफल जो प्राप्त हुआ वह यहाँ पर भाजक बन गया। अब 4 से काटेंगे, 4 × 2 = 8, और आपने देखा यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, नीचे 0। जो अंतिम भाजक है, कह सकते हैं अंतिम भाजक है, वही आपका एचसीएफ होगा, अंतिम भाजक। अंतिम भाजक क्या है, जिसके द्वारा आपको 0 प्राप्त हुआ, तो 4 है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, हम कह सकते हैं एचसीएफ क्या हो जाएगा, इस प्रकार से 4 हो जाएगा। ठीक है, आपने 8 और 36 की देखी भी दो संख्याएं, तो एचसीएफ क्या प्राप्त हुआ, 4। अब हम बात कर लें 4, 72। ठीक है, इनको भी निकाल के, हो सकता है कि 4 और 72 में जाने में बदल सकता है, कोई ऐसी संख्या होती है जिनका बदल जाता है। तो 4, 72 की यदि हम बात करें तो इसमें देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, 72 बड़ी है, 72 बड़ी है, तो इसको भाज्य मान लेंगे। ठीक है, मान लिया, संख्या छोटी है इसको भाजक मान लिया, 4 को भाजक मान लिया, काटा तो क्या होता, 18 × 72, 18 बार में कट जाएगा, वैसे भी काटेंगे 4 × 2 = 8 करके बात है, तो कट जाएगा, और यहाँ पर आपको 0 सिंपल सा भाग दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, 18 × 72 होता तो कट गया 0। तो अंतिम भाजक ये क्या हो गया, अंतिम भाजक 4 हो गया, यहाँ पर भी आपको अंतिम भाजक क्या प्राप्त हुआ, 4 हुआ। तो कह सकते हैं आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आप कह सकते हैं कि मेरा कितना हो जाएगा, 4 ही आंसर हुआ। ठीक है, तो ये भाग विधि रहती है, भाग विधि में कुछ नहीं करना रहता, सिंपल सी जो संख्या बड़ी है उसको भाज्य मान लेंगे, और उसकी अपेक्षा जो संख्या छोटी है उसकी अपेक्षा उसको हम भाजक मान लेते हैं, भाग लगाते हैं, जो शेष फल बचता है वह बाद में भाजक बन जाता है। और ठीक है, भाजक बन जाता, जो पहले भाजक था, जो पहले भाजक था वह यहाँ पर आकर के क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ये 8 यहाँ पर था, बाद में आकर के भाज्य बन गया, और जो ये शेष फल प्राप्त हुआ था वही आपका यहाँ पर भाजक का कार्य कर रहा। बस इसका ध्यान रखना है कि ये वाला यहाँ पर आ जाता, मतलब जो पहले भाजक था वो भाज्य बन जाएगा, और जो शेष फल था वो भाजक बन जाता है, बस ये ध्यान रखना है इतना। ठीक है, और क्या आएगा इसका, अंतिम भाजक 4 आएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब आगे देखेंगे, और हो सकता है इस प्रकार से दशमलव वाला यदि पूछे तो कर देंगे, 0.05 दिया गया है, और 0.10, और एक और दी गई संख्या, वो संख्या दी गई है 0.025 का एचसीएफ।
ठीक है, यह दिया गया आपको, इसमें बस दशमलव दे दिया, इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत होने, मतलब दोस्त देखते हैं कि ये दशमलव आ गया, अब क्या करें हम, तो कुछ नहीं, इसमें अधिकतम, तो अधिकतम अंक वाला दशमलव देखना, इसमें अधिकतम 3 अंक बाद है, 3 अंक, ठीक है, 3 अंक बाद है, तो बस इसमें 3 अंक बाद, मतलब 3 जीरो लगाने, 3 जीरो मतलब 1000 से गुणा, ठीक है, जब 2 अंक तो 100 से गुणा, 3 अंक तो 1000 से गुणा, 3 जीरो मतलब 1000 से गुणा, तो 1000 में इन संख्याओं में गुणा करेंगे, 0.05 में 1000 से गुणा कराएंगे, देखेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, यहाँ पर भी देखेंगे बताएंगे, 0.10 में करेंगे 1000 का गुणा कितना आएगा, और यहाँ पर करेंगे 0.025 में गुणे 1000, देख लेंगे, ठीक है, तो देखेंगे इसमें 2 अंक 2 जीरो ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, 2 अंक दशमलव है तो 2 जीरो ये ख़त्म हो जाएगी, फिर यहाँ पर 1 जीरो बचेगी तो 5 लिखेंगे, 1 जीरो बढ़ा देंगे, सिंपल सा, यहाँ पर देखेंगे ये 2 जीरो इसको ख़त्म कर देंगे, 1 जीरो बचेगी, मतलब 10 लिखेंगे, 1 जीरो 100 हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर देखेंगे 3 अंक हैं, 3 अंक बाद 3 जीरो ख़त्म हो जाएंगे, और यहाँ पर आपको केवल 25 बचे, तो 50, 100 और 25, इनमें से आपको क्या करना है, आपको SCF निकालना है, इन संख्याओं को निकाल लेंगे SCF, तो निकाल लेंगे, सिंपल सी, पता है भाग विधि द्वारा लगा सकते हैं, ठीक है, किस विधि द्वारा, भाग विधि द्वारा, तो 50, 100 में देखेंगे क्या हो जाएगा, 50, 100 की बात करें यदि, तो देखेंगे 100 बड़ा है और 50 छोटा है, देखेंगे 50 दूनी 100, ठीक है, कितनी बार हम करेंगे, यहाँ पर तो मान लीजिए 50 आ गया, अंतिम भाजक क्या हो गया, 50 हो गया, आप जीरो भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मान लिया 50 आ गया, क्या ऐसी SCF आ गया, 50 आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि अंतिम भाजक यही हो गया, यहाँ पर 50, 100 था, तो 50 से दो बार में कटेगा, 100 हो गया, अंतिम भाजक क्या हो, 50 हो गया, मान लिया 50 हो गया, अब देखें 50 और 25 में, तो 50 और 25 में देखेंगे कौन सी संख्या, 50, 25, ठीक, ये वाली 50, ठीक, ये अंतिम भाजक अभी ऐसी आपको क्या प्राप्त हुआ, 50 प्राप्त हुआ, और ये 25 दिया गया था, तो 50, 25 की बात करें तो इसमें कौन सा बड़ा है, 50 आपका बड़ा है और 25 छोटा है, तो कटेंगे 25 दूनी 50, कितना हो गया, 0 प्राप्त हुआ, तो अंतिम भाजक क्या हो गया, यहाँ पर अंतिम भाजक आपका हो गया, अंतिम भाजक आपका हो गया 25, क्या हो गया, 25 हो गया, तो कह सकते हैं SCF क्या हो जाएगा, यहाँ पर SCF की हम बात करें क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि सबसे पहले आपने क्या किया था, 1000 से, यहाँ पर अभी लिखा था 1000 से गुणा किया था, क्या किया था, 1000 से गुणा किया था, तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, 1000 से ही भाग दे देंगे, और जब आप 1000 से भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 0.25, ठीक है, यही आपका SCF आ जाएगा, और एक बात और ध्यान रखें, इनमें दी गई संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या होती है वही आपकी SCF हो जाती है, क्या हो जाती, जो सबसे छोटी संख्या होती है वही आपकी क्या हो जाती, SCF हो जाती है, और जो सबसे बड़ी संख्या होती है, या तो उसका जो सबसे बड़ी संख्या होती है या तो वह LCM हो जाएगी, नहीं तो उसकी गुणज वाली संख्या LCM हो जाती है, तो सिंपल में समझ सकते हैं SCF सबसे छोटी संख्या हो सकती है दी गई संख्याओं में, ठीक है, जो संख्याएं दी गई उसमें सबसे छोटी वाली संख्या SCF हो सकती है या उससे विभाजित वाली होने वाली भी संख्या हो सकती है, और LCM में सबसे बड़ी संख्या हो सकती है दी गई संख्याओं में या उसका गुणज हो सकती है, ठीक, इस प्रकार से इसमें चलता रहता है आपका, ठीक है, तो आप बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है, मिलेंगे अगले दिन, जय हिंद।